पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, अमित शाह आज बिहार आते हैं, मुजफ्फरपुर की धरती से लगातार कई बड़े बड़े आरोप लगा देते हैं महागठबंधन सरकार पर, इंडी गठबंधन पर। देखिए, अमित शाह बार बार कहते नजर आते हैं कि यहाँ जंगल राज है, अपराधियों की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ गई है। लगातार कई प्रकार के जो आरोप हैं, पलटू राम से संबोधित करते हैं, तमाम तरह की जो मतलब बातें हैं वो अमित शाह करते हैं। देखिए, हम आपको बताते चलें कि अमित शाह 24 को टारगेट करके नहीं, बल्कि 24 और 25 दोनों को ही टारगेट करके अमित शाह यहाँ आए हुए थे, और बार बार जनता से बात करते हुए, जो रैली में लोग आए हुए थे उनको संबोधित करते हुए, बार बार 24 में 40 की 40 सीट और 25 में भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने की बातें अमित शाह ने मंच से कही। देखिए, बार बार पहले तो उन्होंने छठ की शुभकामनाएं दी, बिहार में पलटू राम से मुक्त करने की बात कही, कहा कि बिहार को आप लोग पलटू राम से मुक्त कीजिए। देखिए, अमित शाह ने G20, आतंकवाद, कश्मीर में धारा 370, ट्रिपल तलाक, सर्जिकल स्ट्राइक, नया पार्लियामेंट, 30% आरक्षण महिलाओं को, तमाम तरह की जो उपलब्धियां थी वो गिना दी, और साथ साथ महागठबंधन पर बड़े आरोप लगा दिए। उन्होंने कहा कि 2G घोटाला करने वाले लोग चाहिए आपको, कि 5G देने वाले लोग चाहिए, तो मोदी जी चाहिए कि नहीं चाहिए, बार बार उन्होंने मंच से कहा। बार बार वो जो है वो बोल रहे थे कि एक आदमी, बिहार में दो लोगों की सरकार है और एक आदमी जो है वो प्रधानमंत्री बनने में लगे हैं और दूसरा आदमी लगा हुआ है अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। देखिए, काफ़ी दिलचस्प कर देने वाली मतलब ये बातें आप देखिए, ये चर्चाएं जो हैं, एक तरफ तो तेजस्वी प्रसाद यादव श्री कृष्ण बाबू की जयंती पखवाड़ा मनाने के लिए राजद कार्यालय में आए हुए, तो दूसरी तरफ अमित शाह जी मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम कर रहे थे, रैली से बड़े बड़े मतलब उन्होंने आरोप लगा दिया है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि ये जो जातिगत जनगणना करवाई है बिहार सरकार, वो बीजेपी जब साथ में थी तभी करवाया गया है, और कहीं ना कहीं क्रेडिट लेते हुए अमित शाह दिखे और साफ साफ कह दिया कि जातिगत जनगणना जो हुआ है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी ने ही उसको समर्थन किया था, और साफ साफ जो जातिगत जनगणना नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव की सरकार ने किया है उस पर सवाल उठा दिए हैं। और उन्होंने कहा है, अमित शाह ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यादव और मुस्लिम, देखिए दो कम्युनिटी को टारगेट किया है, हिंदू में यादव को और मुस्लिम समाज को कहा है कि इनकी संख्या बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव के दबाव में है और जो माई समीकरण उनका है उसको साधने के चक्कर में इन दोनों की संख्याएं बढ़ा दी गई हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी बड़ा दिलचस्प जवाब दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है, अमित शाह जो है गृहमंत्री जो है केंद्रीय गृहमंत्री भारत सरकार के, बिहार में केवल बकवास करने के लिए आते हैं, झूठ बोलने के लिए आते हैं, वो ऐसे ही बातें बोलते हैं। वो वही गृह मंत्री हैं जो कि इंटरमीडिएट करवा देते हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा देते हैं। वो तेजस्वी प्रसाद यादव साफ साफ अमित शाह को कहते हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है, सर्वेक्षण गलत हुआ है, तो पूरे देश में करा लीजिए। अगर सर्वेक्षण आप मानते हैं कि बिहार में सही नहीं है, तो देश के साथ साथ आपके जो मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी शासित जो राज्य है, कम से कम वहां तो सर्वेक्षण करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जंगल राज वाले बयान पे तेजस्वी प्रसाद यादव ने साफ साफ गृहमंत्री को जवाब दे दिया है कि जहां नौकरी मिल रही है वहां जंगल राज हो ही नहीं सकता, जहां नौकरी नहीं मिल रही है वहां जंगल राज है, बिहार में तो मंगल राज है। देखिए क्या कुछ बोल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। देखिए, पहली बात कि अमित शाह जी आए हैं तो देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है, आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनके भाषण से ऐसा लग रहा था जैसा उन्होंने कहा था कि 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करा रहे हैं, 12वीं के बाद इंटरमीडिएट करवा रहे हैं, ये अमित शाह जी का मानना है और कहना है। तो हम कहना चाह रहे हैं, अभी हम सुने उनका बयान सुने हैं, हाथ हटाओ, उनका बयान सुने हैं, आप आराम से रहिए ना, उनका बयान ये सुने हैं कि ये जातीय जनगणना में यादव मुसलमान लोग का बढ़ा दिया गया, बाकी सब लोग का कम कर दिया गया। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, अगर इतना ही गलत अगर हुआ है अमित शाह जी, तो देश भर में करा ले, कौन रोका है, और जितने जगह बीजेपी शासित राज्य है वहां भी करवा ले जाती जनगणना, काहे नहीं करा रहे हो भाई।
और आप बताइए ना, केंद्र में जितना कैबिनेट मंत्री बिहार से है कौन है, ओबीसी है कि अति पिछड़ा है? जितने बीजेपी के मुख्यमंत्री है ओबीसी है, कितने ओबीसी है और कितना अति पिछड़ा, जरा बता दें। तो ये बकवास की बातें जो है उन्हीं के मुंह से शोभा देती है। यहाँ केवल जो है बकवास बोलने आते हैं, झूठ बोलने आते हैं, कुछ है नहीं उनके पास कहने के लिए। अब यहाँ कलम बांटा जा रहा है, नौकरी बांटी जा रही है, तो उस पर एक शब्द नहीं बोल रहा। बताए देश में बट रहा कि नहीं बट रहा नौकरी, बताए उनके प्रदेश में नौकरी बट रहा कि नहीं बट रहा। नौकरी जहाँ दी जा रही है वहाँ जंगल राज हो ही नहीं सकता, वहाँ मंगल राज है। जहाँ नहीं दी जा रही है नौकरियाँ वहाँ जो है जंगल राज है, ये समझना चाहिए। वो बेकार की बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे वो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।